यस क्लास एट, आज हम अपने व्याकरण की पुस्तक से पाठ सात वाक्य विचार का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप अपने पिछली कक्षा में वाक्य विचार के बारे में पढ़ लिया है, तो क्या मैं आप लोगों से जान सकती हूँ कि वाक्य विचार किसे कहते हैं? एनीवन रेज योर हैंड, वाक्य किसे कहते हैं? जल्दी से बोलिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, अब आप हम अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं, तो इससे पहले आप बताइए, आर्यन संजय बताइए। पूरा अर्थ देने वाले पदों को व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समूह जिसका हमें पूर्ण अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों के ऐसे व्यवस्थित समूह जो हमें पूर्ण अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। यही पढ़ा था ना आपने? फिर मुझे सबका रिस्पांस क्यों नहीं मिल रहा है? यस बेटा, प्रांजल बोलो, प्रांजल बोलो बेटा, प्रांजल बोलिए। मैम क्या वाक्य किसे कहते हैं? प्रांजल जल्दी बोलिए। मैम जब एक या फिर एक से अधिक शब्द हम उसे एक साथ बताते हैं, उस चीज को हम वाक्य कहते हैं। अभी मैंने प्रांजल क्या बोला, शब्द के ऐसे व्यवस्थित समूह जो जिससे हमें उसका पूर्ण अर्थ का ज्ञान हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। सही क्रम में लिखा हुआ। अब आप बताएंगे आप में से कि शब्द वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने वाक्य के कितने अंग होते हैं? मैम दो। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। वेरी गुड, उद्देश्य और विधेय, वेरी गुड। ऐसे आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से फटाफट, क्योंकि ऑलरेडी ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो। अब बताओ वाक्य के भेद में पहला क्या है? वाक्य के भेद में पहला भेद क्या है? मैम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर, वेरी गुड। और रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? मैम तीन, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, वेरी गुड। नेक्स्ट आपका है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं? मैम आठ भेद। आठ भेद होते हैं, वेरी गुड। पहला विधानार्थक, दूसरा आज्ञार्थक, तीसरा इच्छार्थक, चौथा संदेहार्थक, फिर अगला संकेतार्थक एंड प्रश्नार्थक एंड निषेधार्थक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। अब इस तरह से इन वाक्यों को आपने एक दूसरे के साथ संयुक्त को मित्र में, मित्र को संयुक्त में, और सिंपल आपने इस तरह से बनाया है वाक्य का। अब देखिए अर्थ के आधार पर, विधानार्थक वाक्य के अर्थ के आधार पर आठ रूपांतर होते हैं। एक पहला विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, इच्छार्थक और विस्मयार्थक। तो इसके वाक्य आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है, ये विधानार्थक है। मेरा घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, निषेधार्थक है। क्या मेरा घोड़ा तेज दौड़ता, प्रश्नार्थक है। मेरे घोड़े को तेज दौड़ाओ, ये आज्ञा दिया जा रहा है, आज्ञार्थक। शायद मेरा घोड़ा तेज दौड़ सकता है, संदेह करना है। यदि मैं चाबुक दिखाता तो मेरा घोड़ा दौड़ता, ये संकेत है। मेरा घोड़ा तेज दौड़े, ये मेरी इच्छा है। वाह, मेरा घोड़ा कितना तेज दौड़ रहा है, ये विस्मयार्थक है। तो इस तरह से हमारे ये वाक्य बनके दिखते हैं। फिर उसके बाद आपके कुछ वाक्य के इस तरह से बताए बनाए गए हैं जो हमने जाना। अब आपने इस वाक्य को पढ़ करके क्या जाना कि पूरा अर्थ देने वाले पदों के व्यवस्थित क्रम को हम वाक्य कहते हैं। वेरी गुड। प्रांजल, आपने ऑनलाइन देने बहुत अच्छा लिखा, बट इसको थोड़ा सा और बड़ा करो ना, ये बहुत थोड़ा छोटा कर दिया आपने, बहुत छोटे में ही लिख के भेज दिया। थोड़ा सा बड़ा करो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। जैसे आपने एक ये थोड़ा सा और बड़ा करो। प्रांजल, समझ में आई मेरी बात? यस मैम। हाँ, गुड गुड प्रांजल, आपने बहुत जल्दी इस काम को किया। नेक्स्ट है आपका वाक्य में, वाक्य में पदों के निश्चित क्रम को हम पद क्रम कहते हैं। पदों के परस्पर मेल को अवनित कहते हैं। वाक्य के दो मूल घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में एक ही प्रकार का व्याकरणिक कार्य करने वाले पद समूह को हम पदबंध कहते हैं।
संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर आठ प्रकार होते हैं, विधानार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधार्थक आदि। और एक प्रकार की रचना, एक प्रकार की वाक्य रचना को दूसरे प्रकार की वाक्य रचना में निर्देशानुसार बदलना ही वाक्य रचनांतरण या रूपांतरण कहलाता है। जब हम जैसे संयुक्त से मिश्र में बदले या मिश्र से हम सरल में बदले, तो इस प्रक्रिया को हम रूपांतरण कहते हैं या रचनांतरण कहते हैं। पहला प्रश्न आप सबने कर लिया, बोलते जाइए जल्दी। पहला प्रश्न आपने कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन भी आप सबने कर लिया, उचित उद्देश्य लिखकर, गुड। एंड तीसरा है रेखांकित प्रबंध का भेद लिखे, ये भी कर लिया सबने, यस मैम। एंड फोर्थ नंबर पर है संरचना के आधार पर नीचे लिखे वाक्यों के प्रकार बताने, आपको लिख लिया ये, यस मैम, गुड। फाइव नंबर पर है दिए गए वाक्यों को अर्थ के आधार पर निर्देशानुसार बदलिए, ये भी आपका कंप्लीट हो गया, यस मैम, वेरी गुड। सिक्स नंबर पर दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार बदलकर लिखे, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ नया करना था, जो आपको मैंने बताया था कि समाचार चैनलों पर कोई मुख्य समाचार देखकर उसकी विशेष बातें लिख लीजिए और इसे अखबार में छापने योग्य समाचार बना करके अपने समाचार शीर्षक का नाम भी लिख करके दीजिए। तो किस किस ने ये कर लिया वर्क, किस किस ने कर लिया ये वर्क, किस किस का कंप्लीट हो गया है, ये होमवर्क था आपका, किसी ने नहीं किया इसका मतलब, किसी ने भी नहीं किया इस क्वेश्चन को। आपको समाचार चैनल, जो न्यूज चैनल आपके घर में टीवी पर आता है, उसके कोई भी मुख्य समाचार देखिए, कोई भी मुख्य समाचार, और उसकी कोई विशेष बात जो आपको लगे उसको लिखना है, उसके बाद इसे अखबार में छापने योग्य, उसी विशेष बात को एक समाचार के रूप में बनाइए और उसका शीर्षक दीजिए, ये है, ये लिखना है। तो ये आप सबने नहीं लिखा है बेटा, हाँ बोलो, बोलो बेटा, अगर आप में से किसी ने नहीं लिखा है तो वो भी बताइए कि किस कारणवश नहीं लिखा है, आपको क्या चीज के अंदर समझ में नहीं आया है, और अगर लिख लिया है तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम हमने ऐसे लिखा, देखिए ये सही है, ये होता राइट वे क्लास में। आपने नहीं लिखा है नहीं तो भी बताइए कि मैम हमने नहीं लिखा क्योंकि हमें समझ नहीं आया, तभी मैं दोबारा बता सकती हूँ ना आपको इसमें ऐसे करिए। और अगर आपने लिख लिया है, कुछ सही नहीं है या गलत है या जो भी आपको डाउट लग रहा है, वो आप मुझे दिखा करके बता कर पूछिए, मैम हमने ऐसे लिखा क्या ये सही है या इसमें कुछ चेंज होगा या गलत है, कुछ भी। अगर आप बोलो बेटा, यस, अब हम लास्ट में आते हैं स्वयं परीक्षण। तो पहला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में उद्देश्य चिन्हित कीजिए, उद्देश्य, अब मैं चुप नहीं तो अब क्या है इसके अंदर उद्देश्य, मैम मैं अब मैं चुप नहीं तो अब मैं, अब मैं, कल शाम मंत्री जी पधारे, मंत्री जी, कल शाम होगा ये, नहीं मैम, यस, क्यों मैम मंत्री जी होगा, उद्देश्य क्या है इसका, कल शाम मंत्री जी पधार रहे हैं, मैम मंत्री जी, यस मैम मंत्री जी। नीचे दिए गए वाक्यों में विधेय चिन्हित करना है, आइए और चाय, चाय पी लीजिए या आइए चाय पी लीजिए, क्या होगा इसके अंदर, चाय पी लीजिए, हाँ। चाय पी लीजिए,
उसके बाद आपका है अब आप समाचार पत्र पढ़ लीजिए। अब समाचार पत्र पढ़ लीजिए। इसमें क्या हाँ इसमें विधेय आपको अलग करना है, विधेय है ना। तीसरा ऑप्शन आप समाचार पत्र पढ़। थर्ड नंबर पर है अब समाचार पत्र पढ़ लीजिए। कर लिया दिए गए वाक्यों का अर्थ के आधार पर भेद बताइए। क्या कहने हैं आपके विस्मयार्थक। अब चुप बैठ कर पढ़ो। आज्ञार्थक। यदि परिश्रम करते तो सफल होते। संदेह संकेतार्थक। संकेत है यदि परिश्रम करते यदि है। जानते नहीं कौन आ रहा है। प्रश्नवाचक। प्रश्नार्थक। लास्ट वाला निषेधार्थक। उसके बाद है सचमुच मैं नहीं जानता कि कौन आ रहा है। इसका इसका क्या है राइट निषेधार्थक। निषेधार्थक लास्ट। उसके बाद है यहाँ पर वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखना। कुछ लोगों ने बस उद्देश्य के आगे मैं अंडरलाइन कर दे रही। कुछ लोगों ने उद्देश्य है बाघा जतिन को पहचान लिया। एक सरकारी सैनिक ने मैम खा और गा बता दो। ने क्या बेटा खा और गा बताना। खौ में आपका है ये यदि परिश्रम करोगे तो संकेत और घौ में है जानते नहीं कौन आ रहा है प्रश्न और सचमुच मैं नहीं जानता ये है आपका निषेध लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ तुम्हें जानता कौन है। यहाँ तुम्हें हम लोग 12 बजे कुल्लू पहुंच गए। हम लोग सौरमंडल में ना ओके देखो ये दिख रहा है आप लोगों को मेरे फोन पर ये चीज। यस मैम। यस मैम। रिकॉर्ड। यस मैम। ये कंप्लीट हो गया आपका। यस मैम।